नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी के स्वयं के अपडेट्स, कौन से आगे एमसीक्यूज के टेस्ट होने वाले हैं, और आप हैं जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं यानी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी अपने प्ले स्टोर में जाएं, टाइप करें स्वयं। आप सभी की ऐप की अपडेट आई है, मैंने ऐप को अपडेट कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आप जाएं अपने प्ले स्टोर में, टाइप करें स्वयं, तो आपको यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा अपडेट। आपको अपनी ऐप को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप सभी को इसे ओपन करना है। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन विंडो ओपन होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब थोड़ा लैग कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो अभी ओपन होगी ऐप आप सभी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐप लोड हो रही है और आप सभी के सामने जो विंडो अभी ओपन होगी, ये है नोटिफिकेशन विंडो। आपके नोटिफिकेशन विंडो में वीडियोज़ और पीडीएफ्स आते हैं। अब हम चलते हैं माई कोर्सेज विंडो में, ये जानने के लिए कि आगे कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो फिलहाल वीक नंबर 14 तक के सारे टेस्ट जो हैं वो फ़िलहाल आप सभी के हो चुके हैं। वीक नंबर 501 में, इसमें अभी फ़िलहाल MCQ फॉर यूनिट 8 है, ये टेस्ट अभी ऑन है और ये आज रात 12 बजे तक ही ऑन रहेगी। इसकी आंसर आपके चैनल TestTube पे अपलोडेड है, आप जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। दूसरी टेस्ट है, चलते हैं अब हम लोग कोर्स में। वीक नंबर 15 में कोर्स नंबर 501 के अभी फ़िलहाल कोई भी टेस्ट नहीं है, यानी आगे अभी कोई टेस्ट नहीं होने वाली है। अब चलते हैं कोर्स नंबर 502 में। कोर्स नंबर 502 के वीक नंबर 14 में आप सभी की टेस्ट अभी फ़िलहाल ऑन है, आप जाके देख सकते हैं इस टेस्ट को। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं और अभी ये टेस्ट ऑन है। अभी तक 216,000 जो ट्रेनीज़ हैं उन्होंने इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है। आप भी जाएं, अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप जाएं, इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। इसकी आंसर आपके चैनल TestTube पे अपलोडेड है, इस वीडियो के नीचे दोनों वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं वीक नंबर 15 में। वीक नंबर 15 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक MCQ है, MCQ फॉर यूनिट 15। दिस टेस्ट इज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9 जनवरी 2019, यानी कल आप सभी के ये वीक नंबर 15 की जो टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी को अपने चैनल के साथ बने रहना है और आप सभी को इस टेस्ट को देना है। आप सभी, इसमें 10 क्वेश्चन है और ये टेस्ट कल स्टार्ट होगा। तो कोर्स नंबर 502 में वीक नंबर 15 में कल आप सभी के टेस्ट हैं, तो आप सभी अपने टेस्ट को देने के लिए रेडी रहेंगे। टेस्ट स्टार्ट होने के ठीक आधे घंटे के बाद आप सभी के चैनल TestTube पे इसकी आंसर अपलोड हो जाएगी और ठीक 8-10 घंटे के बाद इसकी हिंदी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर टेस्ट सब देख रहे हैं, अभी हम फिलहाल कोर्स नंबर 503 में हैं और यहाँ पे आप सभी के वीक नंबर 15 में अभी कोई भी टेस्ट नहीं है, यानी जो अपडेट है ये केवल कोर्स नंबर 502 से है। तो आप कल रेडी रहेंगे और अगर आपने अभी तक अपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो यहाँ ऐप को अपडेट करें, ताकि जो आपकी ऐप है वो अपडेट है। इसमें कुछ नया कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं जो जितने भी ऑप्शंस थे, नोटिफिकेशन, माई कोर्सेज, डाउनलोड्स और आपके जो ऑप्शंस थे क्लासेस के, यही ऑप्शन है। अभी कुछ नया इसमें अपडेट कुछ नहीं दिख रहा है। आप सभी के जो टेस्ट है अच्छे से हो पाए। अब बात करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, जैसे कि हमने एक वीडियो अभी अपलोड किया है फिलहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप प्लीज़ बताइए हमें कि मैं टेस्ट जब स्वयं देने चाहती हूँ तो केवल इंग्लिश में टेस्ट होता है और हिंदी में मुझे देना है, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप सभी को बता दूँ कि स्वयं की जो ऐप है इसमें जो मेनली जो बड़े टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा 85 क्वेश्चन की जो टेस्ट हुई थी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हुई थी। जो उससे बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे टेस्ट इंग्लिश हिंदी में होते हैं, बट जो छोटे टेस्ट होते हैं जैसे जिसमें 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, वो केवल इंग्लिश में होते हैं। देखिए, परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये सबके लिए है और ये केवल आप ही के लिए नहीं है कि केवल आप ही इसे इंग्लिश में दे पा रहे हैं या हिंदी में। अभी जो टेस्ट है वो प्रोवाइडेड है स्वयं की तरफ से, ये इंग्लिश में है और जो स्वयं की टीम है इस ऐप को डेवलप करने में लगी हुई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, 32 कोर्सेज हैं जो इस पे और चलते हैं स्वयं की ऐप पे। तो अब देखते हैं कल की जो टेस्ट है वो इंग्लिश में होती है या हिंदी में। अगर इंग्लिश में होगी तो उसकी हिंदी की ट्रांसलेटेड वर्जन आप सभी को मिल जाएगी। देखिए, अगर टेस्ट इंग्लिश में है तो आप सभी इंग्लिश उसके आंसर्स आपके चैनल पे अपलोड कर जाएंगे, तो आप अपने आंसर देख सकते हैं जाके। आप सभी को अपने यूट्यूब में जाना होगा और टाइप करना होगा TestTube। आप सभी को अपने यूट्यूब में जाना है और टाइप करना है TestTube।
जैसे आप तेज ट्यूब टाइप करेंगे, आप सभी के चैनल की लोगो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी। बस आप सभी को इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने आपके चैनल की वीडियोस जो हैं, अभी फ़िलहाल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लॉन्च किए हैं इंग्लिश में, और आप सभी की हिंदी वीडियो लॉन्च की है हिंदी, अभी पार्ट 1 हिंदी में जो लॉन्च किया हुआ है, और आप सभी जितने भी पहले स्वयं के सॉल्व एमसीक्यू हो चुके हैं उनके एक कम्बाइंड PDF अभी हमने पब्लिश किया था आप सभी के चैनल टेस्ट ट्यूब पे, यहाँ पे है, जिसमें 4 टेस्ट के हिंदी वर्जन जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो आप सब जाएं अपने चैनल को विजिट करें और आप अपने PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप सभी के दूसरे क्वेश्चन की, जो आप सभी ने काफ़ी पूछा है कि सर कभी कभी हम जाते हैं अपने टेस्ट को देने के लिए तो अटेम्प्ट टेस्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम वीक नंबर 1 में चलते हैं तो वीक नंबर 1 में तो कोई टेस्ट नहीं है, वीक नंबर 2 में फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर की ये टेस्ट है, जब आप इस पर जाएंगे अटेम्प्ट टेस्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ये इसलिए ओपन नहीं होगा क्योंकि जो टेस्ट है ये एंड हो चुका है 17 अक्टूबर को। जो टेस्ट है उसका कुछ समय होता है, यानी मेनली जो स्वयं की जो टेस्ट होती है वो 5 से 7 दिन इसी के रेंज में होती है टेस्ट। तो फॉर एग्जांपल आप जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट ओपन नहीं होगा। ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। यानी टेस्ट की जो फिलहाल जो डेट्स हैं, अगर आप उस डेट पे टेस्ट नहीं देते हैं तो ये लैप्स कर जाएगी तो और आप इसे वापस नहीं दे पाएंगे। देखिए जो पूरा जो प्रोसेस है NIOS का, ये एक अरेंज वे में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जब आप कोर्स नंबर 501 पे क्लिक करेंगे तो वीक 1 वीक 2 वीक 3, यानी किस वीक में क्या पढ़ाना सारी चीज़ अरेंज थी। बट NIOS का जो कम्युनिकेशन गैप है, यानी जितने भी उनके ट्रेनीज़ हैं उन तक ये बात काफ़ी लेट पहुंची। काफ़ी ऐसे लोग हैं, यानी काफ़ी ऐसे ट्रेनीज़ हैं जो अभी जाके स्वयं को इंस्टॉल करते हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है रजिस्ट्रेशन में। काफ़ी लेट से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और काफ़ी लेट से उन्हें टेस्ट होते हैं और सारे टेस्ट को देने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से काफ़ी टेस्ट उनके छूट गए हैं। अब देखिए इसका एक उपाय हो सकता है, या तो स्वयं और NIOS इस टेस्ट को वापस से अपग्रेड करें, यानी अगर हो सके तो फरवरी लास्ट में इस टेस्ट को वापस से अपग्रेड किया जाए, यानी आप सभी के रिवीजन के लिए फिर से इन टेस्ट को ओपन किया जाए, सभी को न्यूज़ देंगे। बट फिलहाल अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि जो टेस्ट हो चुके हैं वो वापस से अपग्रेड होंगे। अगर ऐसा होता है तो अच्छी खबर होगी आप सभी के लिए, आप सब अपने टेस्ट को वापस से दे पाएंगे। बट अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, अभी जो टेस्ट है आप सभी के कोर्स नंबर 15 में है, जो कल आप सभी के चैनल पे होंगे और आप सभी के ऐप पे होंगे, और इसकी आंसर जो है आप सभी के जो चैनल है टेस्ट ट्यूब उस पर अपलोड कर दी जाएगी। तो कल आप सभी के कोर्स नंबर 502 में ये टेस्ट होने हैं। अगली क्वेश्चन आती, सर टेस्ट नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, अभी जो स्वयं की ऐप है वो ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है, और आप सभी अपने जो पहले MCQs हो चुके हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी MCQs जो पहले हुए थे वीक 1 वीक 2 और वीक 3 में, 3 हफ्ते के MCQs हम भी नहीं दे पाए थे क्योंकि हमें भी उस वक्त कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुआ कि NIOS पे टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ आपके चैनल पे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी को अपने YouTube में जाना होगा, सर्च करना होगा टेस्ट ट्यूब, और आप सभी को क्लिक करना होगा प्लेलिस्ट पे। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी को यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी स्वयं की सॉल्व प्लेलिस्ट हिंदी में, इसमें सारे जो वीडियोज़ हैं वो हिंदी में हैं। उसके ठीक नीचे आप सभी को असाइनमेंट्स के आंसर मिलेंगे, आप सभी के असाइनमेंट्स के आंसर आपके चैनल पे अपलोडेड है। कोर्स नंबर 503 के यहाँ पे है, 10 वीडियो है इसमें। कोर्स नंबर 502 की इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है, और कोर्स नंबर 501 इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप किसी भी वीडियो को ओपन करें उसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट में 42 वीडियो है, यानी 42, और यहाँ पे है स्वयं आंसर इस वीडियो में है, इस प्लेलिस्ट में है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट 4 यूनिट 6 1 टू 6 यूनिट 6 यूनिट 4 एंड 5 यूनिट 5 सॉल्व MCQs 4 अटेम्प्ट कराए हैं। तो अगर आप पहले MCQ नहीं दे पाए हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप जाएं दें। देखिए क्योंकि स्वयं की जो MCQ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा सके जो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है स्वयं पे, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो क्वेश्चन टर्न पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जा सकते हैं अपने चैनल पे और इसे देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
अगर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, और कल आप सभी के चैनल पे जो टेस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कल आप सभी के चैनल पे टेस्ट अपलोड की जाएगी और आपको हिंदी में अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल से अपडेटेड रहें, वीडियोज़ देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।